कल्याणी देवी के हाथ में सामान के थैले थे। उन्होंने घर में प्रवेश किया और पांचों बहुओं को आवाज लगाई, संध्या, उषा, आशा, अनीता, रोशनी, जरा पांचों इधर आओ। अपनी सास की आवाज पांचों ने सुन ली थी, पर पांचों अनसुना कर देती हैं। अरे पांचों, कान में रुई डालकर बैठी हो, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ। जब पांचों बहुओं ने देखा कि उनकी सास का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ने वाला है, तो वो पांचों भागी हुई आ गई। कितनी देर लगा दी आने में, कब से तुम सबको ये सामान देने के लिए बैठी हूँ। मुझे अभी मंदिर भी जाना है। कान खोल कर सुन लो, कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला है। तुम्हारी बुआ सास की बेटी अंजू की पहली होली है, इसलिए वो सब हमारे घर ही आकर मनाएंगे। ननद जी ने बोला है कि मैं अपने मायके में ही अपनी बेटी की होली मनाऊंगी, इसलिए वो अंजू के साथ रहने आ रही हैं। सहारनपुर वाली बुआ जी अब तो गए काम से, वो तो। धीरे उषा धीरे। ठीक है अम्मा जी, आप समझा दो कैसे कैसे करना है। देखो, गुजिया, मठरी, समोसे, नमक पारे, शक्कर पारे तो बना ही लो, साथ में मटर की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी और हाँ, दाल की कचौड़ी भी बना ही लेना। हो गई भाभी हम पांचों की होली, चलो हलवाइन बनने को तैयार हो जाओ। हाँ, अब एक हफ्ते तक बुआ जी के नखरे भी तो सहने हैं। सब बहुओं ने सामान के थैले हाथ में पकड़े और रसोई घर में जाकर बतियाने लगी। संध्या भाभी, अम्मा जी तो हमेशा ही हमें होली आने पर काम में लगा देती हैं। इतने ढेरों पकवान बना बनाकर तो कमर टूट जाती है। वही तो, बुआ जी आती हैं और ढेरों पकवान खा पी कर कुछ दिन आराम से विदा कर चली जाती हैं। और इस बार तो अंजू भी आ रही है, पता नहीं कितने दिन रुकेंगी ये लोग। कोई बात नहीं, अब अम्मा जी ने बोला है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। त्योहार के मौके पर अब वो आ रही हैं तो मना भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम लोग कल से ही पकवान बनाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि गुजिया और मठरी समोसे बनाने में समय लग जाएगा। अगले हफ्ते ही तो हो रही है, रोजाना भी थोड़ा थोड़ा कुछ बनाएंगे, तब जाकर ही हफ्ते में बन पाएगा। सब बहुएं आपस में ऐसे ही बातें करते करते काम में लगी रही। अगले दिन से सब होली के पकवान बनाने में लग गई। उषा भाभी, देखना ये मावा सही भुन गया है गुजिया के लिए। हाँ, थोड़ा सा रह गया, हल्का सा और भून लो। अनीता, रोशनी, तुम दोनों कचौड़ी का मसाला बना लो, तब तक मैं गुजिया भर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बहुएं होली के पकवान बनाने में लगी हुई हैं। जरा गुजिया को अच्छे से तल लेना, कच्ची ना रह जाए। कल सुबह ही तुम्हारी बुआ जी और अंजू आ जाएंगे। कल? पर माँ जी, होलिका दहन तो परसों है, बुआ जी कल आ रही हैं। अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे बाबूजी अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। तुम्हारी बुआ सास बता रही थी कि अंजू के ससुराल वाले भी पहली होली पर उनके घर पहुंच रहे थे, पर उन्होंने जब बताया कि वो यहाँ आ रही हैं, तो उन्होंने भी यहाँ आने का प्लान बना लिया, इसलिए अंजू के ससुराल वाले भी हमारे घर ही होली खेलेंगे। क्या, यहाँ पर? अपनी सास की बात सुनकर पांचों बहुएं दंग रह जाती हैं, क्योंकि अभी तक तो बुआ जी और उनकी बेटी ही आ रही थी, पर अब अंजू के ससुराल वाले भी आने वाले हैं। ये सोचकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। मैं तो अभी से सपना देख रही हूँ कि मैं रसोई में पूड़ियां ही तलती रह गई और इन्होंने मुझे गुलाल भी नहीं लगाया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो। अरे अरे, सपने से जाग जाओ रोशनी महारानी, हम तो होली खेलने से ही रह जाएंगे और रसोई में ही पूरा दिन गुजार देंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। होली के सारे पकवान बनकर तैयार हो चुके थे। ये सोचकर अभी पांच बहुएं थोड़ी तसल्ली ले ही रही थी कि उन्हें ये सुनने को मिल गया कि अंजू के घर के भी लोग आएंगे। खैर, अब जो होने वाला था वो तो आगे ही पता चलता। अगले दिन बुआ जी और अंजू आ जाते हैं। भैया, मैं सोच रही थी अंजू के ससुराल वालों को देने के लिए लिफाफे बना लेती, आखिर सब पहली होली पर आ रहे हैं तो खाली हाथ लौट आना ठीक नहीं रहेगा। हाँ कांता, तुम ठीक कह रही हो, बताओ कितने कितने के लिफाफे बनाने हैं। एक काम करो रवि बेटा, तुम आलोक, नीरज, बाकी धीरज और अजय कहाँ हैं? बाबूजी, धीरज और अजय होली के गुलाल और रंग खरीदने गए हैं। अब कोई नहीं, धीरज और अजय भी थोड़ी देर में आ ही जाएंगे, फिर ये पांचों मिलकर लिफाफे बना देंगे। कम से कम 1100 तो दे ही दे भैया, क्यों भाभी, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ननद जी। ठीक है बहन, मैं लिफाफे बनवा लेता हूँ, उस समय देख लेंगे जिसको जैसे देना होगा। मम्मी,
मेरे ससुराल वालों को ड्राई फ्रूट वाले दही भल्ले बहुत पसंद है, और साथ में हरी चटनी और इमली की चटनी भी अगर खजूर डालकर उनको परोस देंगे तो बहुत खुश होंगे वो लोग भी। मैंने सोचा आपको बता दूं। अरे तुम क्यों चिंता करती हो बेटी, तुम जैसे ननद जी की बेटी हो वैसे इस घर की भी बेटी हो। मैं अभी बहुओं से कह देती हूँ, वो तैयारी कर लेंगी। उन लोगों ने तो कल शाम को आना है ना। बहुओं जरा इधर आओ। अभी होली के पकवान बनाकर फुर्सत ही मिली थी कि तभी कल्याणी ने एक ऑर्डर और चला दिया, और वो भी ड्राई फ्रूट वाले भल्ले और मीठी चटनी और हरी चटनी का। सब बहुओं ने मिलकर बढ़िया से दही भल्ले तैयार किए। अंजू के ससुराल वाले बहुत ही चटोरे स्वभाव के थे, वो तो मिनटों में ही सारे पकवान गपा गप खा रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट भल्ले पापड़ी गुजिया समोसे, आहा, और बाकी पकवान सचमुच खाने में बहुत ही बढ़िया है। यहाँ कोई प्रसिद्ध हलवाई की दुकान से मंगवाए होंगे आपने? कल्याणी जितनी देर में कुछ कहती उतनी देर में अंजू बोल पड़ी, सासूमा ये सारे पकवान मेरी भाभियों ने बनाए हैं। जब से मामी जी के घर मेरी प्यारी पांचों भाभियां आई हैं, तब से त्योहारों की रौनक ही बढ़ गई है। होली, दिवाली, तीज, दशहरा जितने भी त्योहार हैं, भाभियां खुद से ही बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं। अंजू बिल्कुल सही कह रही है बहन जी, कल्याणी भाभी की पांचों बहुओं के आ जाने से यहाँ ऐसा लगता है मानो अन्नपूर्णा का वास है। सासूमा भले ही मेरे अपने सगे भाई भाभी नहीं है, पर मामी जी के घर मुझे भाई भाभियों का बहुत प्यार मिलता है। मेरी भाभियां लाखों में एक हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, जितनी खातिरदारी इन लोगों ने हमारी की है। सचमुच दिल खुश हो गया। आज बुआ जी और अंजू के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुएं खुशी से फूली नहीं समाती। कल तक जो बुआ जी और अंजू के आने पर ज्यादा काम को लेकर परेशान हो रही थी, आज वही बुआ जी और अंजू उनका मान सम्मान बढ़ा रही थी। उसके बाद परिवार के सब लोग मिलकर गुलाल और रंगों की होली खेलते हैं। अंजू की पहली होली बहुत अच्छी होती है, जिसका श्रेय पांचों बहुओं को जाता है। अंजू के ससुराल वाले खुशी खुशी विदा होते हैं। होली के अगले दिन जाते जाते बुआ जी बहुओं के हाथ में शगुन के लिफाफे देती हैं। ननद जी ये सब क्यों, ये ऐसे? अरे रहने दो ननद जी। भैया भाभी मना मत करना, अंजू के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, जिस कारण वो तो साथ आ नहीं पाए, पर आप सबने अंजू के लिए इतना कुछ किया है। उसकी पहली होली पर उसके ससुराल वाले इतना खुश होकर गए हैं, इसीलिए ये मैं अपनी इच्छा से बहुओं को होली का शगुन दे रही हूँ। उसके बाद बुआ जी पांचों बहुओं को शगुन का लिफाफा देती हैं और अंजू के साथ खुशी खुशी विदा होती हैं। उनके जाने के बाद जब बहुएं लिफाफा खोलकर देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। 2100 रुपए का शगुन? हाँ, हम सबके लिफाफों में 2100 रुपए का शगुन डालकर दिया है बुआ जी ने। अब ये कांता भी ना, जबरदस्ती बहुओं को शगुन दे ही गई। मैं ननद जी को अच्छे से जानती हूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने अंजू के 1100 के लिफाफे आपसे जब बनवाए तो उन्हें याद रहा, और बदले में बहाने से बहुओं को शगुन का लिफाफा दे दिया। वैसे कुछ भी कहो, हमारी पांचों बहुओं ने मेहनत से इतने ढेरों पकवान भी तो घर पर बनाए थे, उनका उपहार तो बनता ही है, क्यों ना हम भी अपनी बहुओं को होली का शगुन दे। हाँ ये तो बात है। ये लो, सब बहुओं को 1100-1100 रुपए शगुन के अपने हाथों से दे दो। अपने लिए घर में इतनी इज्जत और मान सम्मान देखकर पांचों बहुओं की आंखें खुशी से छलक उठती हैं। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो उठ भी जाओ ना, अभी सभी घर वाले सो रहे हैं, उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं, तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी से चलो नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्ती है क्या, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूंगा क्या, अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियां और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती हैं। अरे यार लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए था। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन, और कौन होगा मम्मी जी के सिवा?
निधि जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे मम्मी जी आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला उनकी सास टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंशी बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची जल्दी से बाहर निकल, मेरा नंबर था, तू कहां से बीच में घुस गई, निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है, उसको तोड़कर ही मानेगी क्या? और अब वो अंदर गई है तो पेट की गंदगी निकाल कर ही बाहर निकलेगी। और जब मैं अंदर थी तब भी तुम में से कोई दरवाजा पीट रहा था। तुम सब जानती हो ना बुजुर्ग लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाया कीजिए, आपकी कब्ज के चक्कर में तो हम लोगों के पेट के बुलबुले उठने लग पड़ते हैं। ये सब बातें छोड़ो मम्मी जी, अब ये बताओ कि कब तक हम ऐसे ही एक टॉयलेट में जाते रहेंगे? उम्र भर ऐसे ही जाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि शुक्र मनाओ तुम लोगों को एक टॉयलेट तो नसीब हुआ। हम तो अपने गांव में खुले में शौचालय जाते थे और खुले में जो जाने का मजा है, ओए होए 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 होए। इतना कहते ही शीला चुप हो जाती है। पर मम्मी जी आपकी इतनी सारी बहुएं हैं, आपको दो टॉयलेट तो बनवाने ही चाहिए ना। आई बड़ी दो टॉयलेट वाली, ये घर है कोई तेरे बाप का होटल नहीं जो दो दो टॉयलेट चाहिए तुम्हें। मम्मी जी पर जैसे यहाँ लाइन लगी है ना, ये किसी के घर का टॉयलेट नहीं बल्कि किसी चौल का सुलभ शौचालय मालूम होता है। हाँ बस इसका ये एक सुख है कि हमें धोने के लिए बाल्टी और मग्गा लेकर नहीं आना पड़ता। निधि बोली रही थी कि तभी वहाँ खड़ी राखी जोर से बदबूदार गैस छोड़ती है। उसकी बदबू से वहाँ खड़े सभी अपनी नाक पर हाथ रख लेते हैं। उसके ऐसा करते ही शीला कहती है, हाय मोरी मैया, ना जाने क्या ठूसा था इस कमबख्त ने रात में जो इतनी गंदी बदबू निकाली है। मम्मी जी जिस घर में चार बहुओं का एक टॉयलेट होगा वहाँ तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर राखी दोबारा से दरवाजा पीटते हुए कहती, जल्दी से बाहर निकल मेरी माँ, अब तो बर्दाश्त से बाहर है सब कुछ। ये कहकर राखी फिर से दरवाजा पीटने लगती है। शीला देवी की ज्वाइंट फैमिली थी जिसमें उसकी चार बहुएं थी और चार बेटे थे और उन सबके लिए केवल एक ही टॉयलेट था। सारा घर एक ही टॉयलेट यूज करता था। वैसे कहने को तो उस घर में दो टॉयलेट थे लेकिन दूसरे टॉयलेट की सीट टूट रखी थी और फ्लश पूरी तरह खराब था जिस वजह से कोई उसे यूज नहीं करता था। बेचारी सारी बहुओं का आधा दिन तो टॉयलेट में अपनी बारी आने के इंतजार में ही गुजर जाता और ऊपर से अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तब तो समझो हो गई छुट्टी। ऐसे ही एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है। तभी नीतू दरवाजा खोलती है। मैडम रश्मि जी का पार्सल आया है। रुको मैं अभी उसे बुलाती हूँ। रश्मि, अरे ओ रश्मि जल्दी आ, देख तेरा पार्सल आया है। आई दीदी। जी लीजिए। पार्सल देकर कुरियर बॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी वो रुककर उन दोनों से कहता है, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, ये तो नेचर कॉल है, कभी भी आ सकती है और इस वक्त मेरे लिए जाना बहुत अर्जेंट है। दीदी अभी कोई होगा तो नहीं ना टॉयलेट में? मैं क्या जानू रश्मि, लेकिन अब अगर इसे जोर की लगी है तो कर भी क्या सकते हैं, ले जाओ इसे। रश्मि इसको टॉयलेट की तरफ लेकर जाती है लेकिन जैसे ही कुरियर बॉय दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो अंदर से बंद होता है। इतने में अंदर से आवाज आती है, अब कौन है बे, कम से कम यहाँ तो चैन से बैठने दो, सुबह जाने नहीं देते, दिन में भी परेशान करके रखा है, अब तो जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं होता मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे दीदी धीरे बोलो, अगर गलती से किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? सुनने दो अगर कोई सुनता है तो, कम से कम औरों को भी तो पता चले कि कैसी जालिम सास है हमारी जो चार चार बहुओं के लिए सिर्फ एक ही टॉयलेट रखा हुआ है। इसके बाद रश्मि उस आदमी से कहती है, जी माफ कीजिएगा लेकिन आपको थोड़ा वेट करना होगा। कोई बात नहीं जी, मुझे इनके जितनी इमरजेंसी भी नहीं है। ये कहकर वो आदमी क्रॉस लेग करके खड़ा हो जाता है लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब निधि बाहर नहीं आती तो वो आदमी जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है कि तभी रश्मि पीछे से आवाज देते हुए कहती है, अरे रुकिए तो, कहाँ जा रहे हैं आप? आप वो काम पूरा करके ही जाइए। नहीं करना मुझे कोई टॉयलेट, अगर मैं ऐसे ही वेट करता रहा तो मेरी पैंट यहीं गीली हो जाएगी, इससे तो अच्छा होगा मैं बस स्टैंड पर बने सुलभ शौचालय में चला जाऊं। ये कहकर वो आदमी वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। रश्मि अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीतते चले गए लेकिन टॉयलेट की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। एक शाम जब शीला घूमने गई होती है तभी चारों बहुएं बैठकर रोज की इस परेशानी का हल ढूंढने के विषय में चर्चा करती हैं। हे भगवान अब क्या दिन आ गए, हमारी जो सास की चुगलियां छोड़कर टॉयलेट के ऊपर चर्चा करने बैठे हैं हम, सब हमारी सासू माँ का किया धरा है।
वो सब तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो कि कैसे हम अपनी सास को दूसरा टॉयलेट भी ठीक करने के लिए मनाएं। ऐसे तो मानने से रही, हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम में से एक का पेट खराब कर दिया जाए जिससे सारा दिन उसका टॉयलेट में ही बीते। फिर जब मम्मी जी को टॉयलेट यूज करने नहीं मिलेगा तभी उन्हें दूसरे टॉयलेट की अहमियत समझ में आएगी। वो तो ठीक है, पर किसका पेट खराब करे? तू अपना कर ले, मैं तेरे लिए जमाल गोटा लाई देती हूँ। वाह जी वाह, ये क्या बात हुई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अगर मुझे टॉयलेट में जगह ना मिली तो मेरा तो हो जाएगा ना वहीं काम तमाम। ऐसा करो, आपका आइडिया है, आप पर ही आजमा कर देखते हैं इसे। ना बाबा ना, ओहो हम सब क्यों अपना पेट खराब करें? जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है उन्हीं का खराब करते हैं। अभी तो सास होने का फायदा उठाकर वो हमसे पहले टॉयलेट चली जाती हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है। यही। उसी शाम अपने प्लान के अनुसार वो चारों अपनी सास के खाने में जमाल गोटा मिला देती है। कुछ देर में शीला के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो भागते हुए टॉयलेट की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी रश्मि झट से टॉयलेट में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीला दरवाजा पीटते हुए चिल्ला कर कहती है, अरे कर्मचारी तुझे सुबह से टाइम ना लगा, जो मेरे जाने पर ही घुसना था तुझे, जल्दी निकल बाहर। कुछ देर में रश्मि बाहर आती है, तभी शीला झट से अंदर जाकर फ्रेश होती है और पसीना पोंछते हुए बाहर आती है। लेकिन अभी वो अपने कमरे की ओर जा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है और वो वापस टॉयलेट जाने लगती है। लेकिन तभी निधि टॉयलेट जा रही होती है कि शीला उसको कहती है, अरे ओ कहाँ चली, मुझे बड़ी जोर की आई है, जरा भी देर हुई तो तुझे ही साफ करना पड़ जाएगा। मुझे भी जोरों की लगी है मम्मी जी, आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं यूं गई और यूं आई। ये कहकर वो टॉयलेट चली जाती है। अरे जल्दी निकल जा, निकल मेरी माँ। कुछ देर में राखी भी वहाँ आ जाती है और वो शीला से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आपका पेट खराब है क्या? हाँ लग तो मुझे भी यही रहा है, पेट में जोरों की गुड़गुड़ाहट हो रही है, लेकिन ये मरजानी कब से टॉयलेट पर कब्जा करके बैठी हुई है। अब पता चला मम्मी जी, अगर दूसरा टॉयलेट होता तो क्या आपको इतनी परेशानी होती? इसीलिए कहते हैं इतनी बड़ी फैमिली में दो टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, घर में कमरे भले ही कम हो लेकिन टॉयलेट तो दो तीन होने ही चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो बहू, अगर कभी किसी का मेरी तरह पेट खराब हो गया तो उसका तो खड़े खड़े ही रायता फैल जाएगा। अब मुझे समझ आ गया, अब मैं कल ही दूसरा टॉयलेट ठीक करवाऊंगी। इतना कहकर शीला वहां से चली जाती है। तभी चारों बहुएं आपस में ताली देते हुए कहती हैं, अपना मिशन कामयाब हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।